Everybody, my name is Dhruv Redu from Study Life from Class 6. So today we are going to start a new chapter from Science, chapter number 5, Separation of Substances. मतलब जब हम लोग चीजों को अलग करते हैं. In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. हम लोग हमारी जिंदगी में, रोज की जिंदगी में देखते हैं कि हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीजों को अलग करते हैं. Tea leaves are separated from the liquid with the strainer prior preparing tea. जो टी है, टी की जो लीव्स है, जो चाय पत्ती है, उसको हम लोग चाय से अलग करते हैं. और कैसे अलग करते हैं? स्ट्रेनर की मदद से अलग करते हैं. स्ट्रेनर मतलब छलनी, जब हम लोग चाय बनाते हैं जब अलग करते हैं. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स. जो ग्रेन है, अनाज, अनाज को डंठल से अलग किया जाता है व्हाइल हार्वेस्टिंग. मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर. अब जो मिल्क है, दूध, और जो दही है, उसे मथना किया जाता है. चर्न मतलब मथना किया जाता है. कैसे मथना क्यों किया जाता है? बटर, मक्खन बनाने के लिए. As we learned in chapter 3, we gin cotton to separate its seeds from the fiber. जैसे कि हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग कॉटन को उसकी सीड से कॉम, एक गिनिंग प्रोसेस से करते हैं. गिनिंग एक कॉम आता है जिससे हम लोग कॉटन की सीड्स और कॉटन को अलग करते हैं. Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. आपने कभी दल या पोहा खाया होगा जिसके अंदर नमक है. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. आपने जब भी देखा होगा उस दलिया के अंदर, देखा होगा कि उसके अंदर, दलिया पोहा के अंदर जब मिर्ची होंगी, चिलीज मतलब मिर्ची होंगी, तो आप उसको ध्यान से निकाल देते हो खाने से पहले. सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गावास एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम. जैसा सोचो कि आपको एक बास्केट दे दी गई जिसके अंदर मैंगोज भी है और गावा भी है, और आपको कह दिया गया कि उन दोनों को अलग करो. व्हाट वुड यू डू? आप क्या करोगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर. राइट, आप क्या करोगे? आप एक और कंटेनर होंगे, एक कंटेनर के अंदर आप मैंगो रखोगे और एक कंटेनर के अंदर गावास. सीम्स इजी, बट व्हाट इफ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गावा. ये जो सब्सटेंसेस है ये बड़े हैं, लेकिन अगर इनसे छोटे सब्सटेंसेस रहे तो हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे अलग करेंगे? इमेजिन You are given a glass of sand with salt mix in it. जैसे कि आप सोचो कि आपको एक ग्लास दे दिया गया है जिसके अंदर साल्ट, सैंड है, रेती है और नमक है. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. ये फिर impossible हो जाएगा कि मतलब कि अपने हाथों से साल्ट, नमक और सैंड को अलग करना. एक्टिविटी वन, यहाँ पे पहेली कह रही है कि बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक एट ऑल. बट पहेली वॉन्ट्स टू नो, पहेली पूछ रही है कि हम लोग चीजों को अलग क्यों करते हैं, और ये पहेली क्या जानना चाहती है, क्वेश्चन में पूछा गया. एक्टिविटी वन, इन कॉलम वन ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन. टेबल 5.1 में कॉलम वन में दिया गया कुछ प्रोसेस दिए गए सेपरेशन के. द पर्पस आर सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन इज यूज्ड इन मेंशन इन कॉलम 2 और 3 रेस्पेक्टिवली. जो सेपरेशन की किस लिए करते हैं वो सब कॉलम 2 और कॉलम 3 में दिया गया है. हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 और कॉलम 3 जंबल्ड अप. अब जो कॉलम 2 और जो कॉलम 3 की जो इंफॉर्मेशन है वो जंबल है, मतलब आगे पीछे. कैन यू मैच ईच पर्पस विद इट्स पर्पस and the way separated components are used. इधर बताया गया है, क्या आप ये चीज़ों को मैच कर सकते हो, जिनकी प्रोसेस क्या होती है और उनका क्या काम रहता है, आप उन्हें मैच कर सकते हो?
We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. जब भी हम लोग कोई भी चीज देखते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो भी हार्मफुल मतलब खतरनाक चीजें रहते हैं उन्हें हमें अलग करना पड़ता है. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. कभी कभार हम लोग जो चीजें जो हमारे use में आती है उन्हें भी अलग करना पड़ता है. The substances to be separated may be particles of different size or materials. जो चीजों को हम लोग अलग करते हैं उनका जो साइज हो सकता है वो भी अलग हो सकता है, उनका जो मटेरियल हो सकता है, जो मटेरियल क्या है वो भी अलग हो सकता है. दिस मे बी इन एनी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आई सॉलिड लिक्विड और गैस. ये जो सब्सटेंस हो सकता है वो कोई भी तीन तरह के मैटर में हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टूगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज. हम लोग कैसे उन चीजों को अलग करेंगे जिनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग है. नाउ 5.1 मेथड्स ऑफ सेपरेशन. वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर. हम लोग कुछ मेथड्स के बारे में जानेंगे जिससे हम लोग चीजों को अलग कर सकते हैं. यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मेथड बींग यूज इन डे टू डे एक्टिविटीज. इनमें से कुछ कुछ मेथड हम लोग भी आजकल करते रहते हैं. हैंड पिकिंग एक्टिविटी 2. Bring a packet of food grain purchased from a shop to the classroom. आप क्या करो, आप एक पैकेट लो अनाज का और उसको आप क्या करो, आप शॉप से लेकर क्लासरूम में लाओ. Now spread the grains on a sheet of paper. अब जो ग्रेन से जो अनाज आपने लाया उसको आप पेपर की शीट पे पूरा फैला दो. Do you find only one kind on the sheet of paper? क्या आपने कोई भी बस एक तरह का ग्रेन अनाज देखा है उस पेपर की शीट में? Are there pieces of stone whose broken grain and particles on any other grain in it? आपने उस पेपर की शीट में उस जो पैकेट दिया गया था उसके उसके अंदर आपने कोई भी छोटा सा स्टोन हंस मतलब भूसा, कोई भी ग्रेन टूटा हुआ या कोई भी अलग अनाज दिया गया वो आपने देखा है? नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन हंस एंड द ग्रेन्स फ्रॉम इट. अब आपने अगर देखा है तो फिर आप उससे अपने हाथों से स्टोन के पीस को, भूसे को और अलग अलग अनाज जो भी है उसको अपने हाथों से अलग कीजिए. दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज इम्यूरिटीज लाइक द pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. अब इधर बताया गया जो हैंड पिकिंग का जो मेथड है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग बड़े साइज में जो कण कण है उसे हम लोग अलग कर सकते हैं, जैसे कि डर्ट का पीस, स्टोन, भूसे को अलग कर सकते हैं, वीट वीट को वीट मतलब गेहूं को अलग कर सकते हैं, राइस को अलग कर सकते हैं और हम लोग पल्सेस मतलब दाल को अलग कर सकते हैं. द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज. अब जो क्वांटिटी होती है उन चीज़ों की, उन कंकन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा ज़्यादा नहीं होती. In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. उस समय हम लोग देखते हैं कि जो hand picking है वो एक सबसे important method है चीज़ों को अलग करने का. Now next method is stashing. You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in fields after harvesting the crop. अब इधर क्या दिया गया, इधर दिया गया कि आपने कभी देखा होगा कि जो गेहूं के जो बंडल होते हैं, गेहूं के जो पैकेट होता है, जो पैडी के जो स्टॉक्स होते हैं, पैडों के जो डंडल होते हैं वो फील्ड्स में कब होते हैं, जब हम लोग क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, अलग करते हैं, काटते हैं, जब हमें दिखते हैं. स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दैम. जो स्टॉक्स होता है डंठल को हम लोग पहले सन में सुखाते हैं उनको अलग करने से पहले. ईच स्टॉक हैज मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट. हर डंठल में बहुत ज़्यादा जो सीड्स होती है, जो अनाज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अटैच होता है. इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100 बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड. आप ये सोचिए कि जो ग्रेन की जो सीड्स है वो 100 से भी ज़्यादा 100 बंडल्स में हुई तो कितने ज्यादा ग्रेन की सीड्स होंगे फील्ड में, खेत में. हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक.
जो फार्मर है वो कैसे इन स्टॉक्स को मतलब डंठल को कैसे अलग करता है। After that next one pluck mangoes or guavas from the trees। जैसे कि सोचो कि आपने कोई भी मैंगो या गावा के पेड़ से आपने उसे प्लक किया मतलब निकाला है मैंगो या गावा को। बट ग्रीन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गावास। लेकिन जो ग्रीन की जो सीड होती है अनाज की जो सीड होती है वो मैंगोज और गावास से छोटे होते हैं। सो प्लकिंग देम फ्रॉम द स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो जो स्टॉक्स है डंठल है उससे हमें निकालना बहुत इम्पॉसिबल टाइप जैसा हो जाएगा, निकाल ही नहीं सकते। हाउ डज वन सेपरेट ग्रीन सीड्स फ्रॉम द स्टॉक्स। तो फिर हम लोग स्टॉक्स से हम लोग ग्रीन की सीड्स को कैसे सेपरेट करेंगे। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स थ्रेशिंग। वो प्रोसेस जिससे हम लोग अनाज को डंठल से अलग करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग थ्रेशिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री ग्रेन सीड्स। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस में जो स्टॉक्स होते हैं डंठल होता है उसे हम लोग काट काट कर हम लोग ग्रेन की सीड्स में सेपरेट करते हैं। समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। कभी कभार जो थ्रेशिंग होती है वो बुलक्स बैल की वजह से भी बैल की मदद से भी होती है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन। मशीन की मदद से हम लोग बड़े मात्रा में ग्रेन को अनाज को अलग कर सकते हैं। Now winnowing activity 3 make a mixture of dry sand with sawdust or power dry leaves। अब क्या करो आप एक मिक्सचर बनाओ जिसमें सैंड भी होना चाहिए sawdust और जो ड्राई सूखी सूखी पत्तियां वो भी होनी चाहिए। Keep दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। अब आप ये मिक्सचर को एक प्लेट में रखो या न्यूज़पेपर में रखो। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। आप ये जो मिक्सचर है उसको आप ध्यान से देखो। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली। क्या हम लोग दो अलग अलग चीज़ों को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू कंपोनेंट सिमिलर। अगर उनके जो साइज है सब्सटेंस की जो साइज है वो अगर सेम रहे तो Would it be possible to separate the components by hand picking? क्या हम लोग उन चीज़ों को हम लोग अलग कर सकते हैं हैंड पिकिंग करके मतलब हाथों से निकाल के अलग कर सकते हैं। Now take your mixture to open ground and स्टैंड ऑन अ राइस प्लेटफॉर्म। अब आप क्या करो आप अपना आपका जो मिक्सचर है वो आप ग्राउंड खुले मैदान में लेके जाओ और उसको आप राइस प्लेटफॉर्म मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म में जाओ जो थोड़ा सा ऊंचा है। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। आप जो मिक्सचर आप उसे प्लेट में रखो या एक कोई भी पेपर की शीट में रखो। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। जो प्लेट है या जो पेपर की जो शीट है उसके अंदर मिक्सचर रखो। फिर उस बात क्या करना है और जो मिक्सचर होना चाहिए कहाँ तक रखो, जो आपकी शोल्डर की जो हाइट है उधर तक वो प्लेट या जो पेपर की शीट है वो उधर तक होनी चाहिए उसकी हाइट। सो आपकी शोल्डर की हाइट जितनी होनी चाहिए। Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly। अब जो प्लेट है जो शीट पेपर की जो शीट है उसका थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए क्या जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे नीचे गिरे। What happens? Do the both components sand and sawdust or power leaves fall at the same place? क्या जो components है जैसे रेती sawdust या जो leaves है वो सभी एक ही जगह गिरेंगे? Is there a component that blows away? इनमें से ऐसा कोई component जो उड़ के दूर गिर जाएगा? Did the wind manage to separate the two components? जो wind है वो दो को अलग अलग component को अलग करेंगी? This method of separating components of a mixture is called winnowing। ये जो method होता है जिससे हम लोग अलग अलग components के mixture को अलग करते हैं उसे हम winnowing कहते हैं। Winnowing is used to separate heavy and lightened components of a mixture by wind or by blowing। Winnowing से हम लोग कोई भी heavy या कोई भी light, कोई भी heavy substance या कोई भी lightweight substance जिसका weight कम है हम लोग उसे wind से या blowing air से, blowing air मतलब कि फूक फूक मार के उससे हम लोग अलग कर सकते हैं। Now next page। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain। ये जो method होता है वो farmers use करते हैं मतलब भूसे को अलग करने के लिए अनाज से।
हस्ट पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड, जो हस्ट के जो पार्टिकल्स, जो भूसे के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो विंड की वजह से वो दूर जाके गिरते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड फ्रॉम अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। अब जो ग्रेन के जो सीड्स रहते हैं, ग्रेन ग्रेन मतलब अनाज के जो सीड्स होते हैं वो कैसे सेपरेट हो जाता है, मतलब कि एक प्लेटफॉर्म, राइस प्लेटफॉर्म से हम लोग नीचे गिराते, धीरे धीरे गिरते और विंड की वजह से वो दूर गिर जाते हैं। The separated husk is used for many purposes, such as fodder for cattle. ये जो husk होता है भूसे के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि fodder बनना, जो cattle होती है गाय वगैरह उनके लिए fodder बनना, fodder मतलब चारा बनना, चारा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं वो। और sieving nest, sieving में क्या दिया गया, sometimes we may wish to prepare a dish with flour. कभी कभार हम लोग जो चीज है कोई भी डिश वगैरह को आटे की मदद से बनाते हैं। We need to remove impurities and bran that may be present in it. और हमें उसमें जो impurities मतलब जो कण-कण होता है उसमें हमें वो अलग करने पड़ते हैं। What do we do? हम लोग क्या करें? We use a sieve and pour the flour into it. हम लोग एक sieve का मदद लेंगे और उससे हम लोग flour जो है उसमें डाल देंगे sieve में। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain of the sieve. जो sieving होती है, sieving में जो fine, जो छोटे-छोटे particles रहते हैं, छोटे-छोटे जो कण-कण रहते हैं, वो sieving के जो sieve के जो holes होते हैं, वो उनसे नीचे गिर जाते हैं और जो bigger particles रहते हैं, वो sieve में रह जाते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो छोटे particles हैं, मतलब sand वगैरह, वो सब छोटे particles, छोटे holes के अंदर से नीचे गिर रहे हैं और जो ये जो है जो बिगर पार्टिकल्स वो नीचे नहीं, वो अभी भी सी पे ही है। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दैट इट इज गिवन दैट In a flour mill, impurities like husk and straw are removed from wheat before grinding it. Flour mill में जब भी आटा चक्की में जब आप जाते हैं, जो impurities होते हैं भूसे और stones की तरह, वो wheat से अलग, गेहूं से अलग कर दिए जाते हैं जब grind होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे चक्की जब घूमती है। Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. जो पूरे जो अगर आप बैग लेके भी पूरी बैग में भरी हुई वीट जब भी आप डालोगे, जब भी वो मतलब जो सीव का मतलब कैसे होता है, मतलब छोटे पार्टिकल्स को जाने देती है और जो बड़े पार्टिकल्स रहते हैं जिनका साइज में बिग होता है उन्हें उधर ही सीव पे ही रह जाती है। ऐसे दो अलग अलग कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। जैसे कि वीट को हम लोग स्टैंडिंग टेढ़े तरीके से भी डालें ना, जब भी वो हो जाएंगे अलग। The sieving removes pieces of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. जो सीविंग है, सीविंग की मदद से हम लोग स्टोन्स को, हस्क को, ये सभी चीजों को गेहूं से अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं? सीविंग से, थ्रेशिंग से और विनोइंग की मदद से अलग कर सकते हैं। You may have also noticed similar sieves being used as construction sites. आपने ये जो sieves वगैरह है वो आपने construction sites मतलब जहाँ पे घर वगैरह बनते हैं आपने उधर भी देखे होंगे। To separate pebbles and stones from the sand. ये sieve को इसलिए बुलाया जाता है, मतलब pebbles मतलब छोटे छोटे पत्थर और जो पत्थर है, pebbles मतलब जो छोटे छोटे पत्थर रहते हैं और stones मतलब जो big पत्थर रहते हैं उन्हें कहते हैं। उन्हें sand से अलग करने के लिए ज्यादातर ये construction sites में इसका इस्तेमाल किया जाता है। Now activity 4. Bring a sieve and a small quantity of flour from home to the class. आप एक सीव लाना और एक छोटी सी मात्रा में आटा लाना घर से क्लास में। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। आप क्या करो, आप जो फ्लोर है वो सीव में डालो और कोई भी कण-कण वगैरह वो भी सीव में डालो। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेज एंड मिक्स विद द फ्लोर। अब आप जो चॉक है, चॉक की जो चॉक का पाउडर बना और उसको आप फ्लोर के साथ, आटे के साथ मिक्स करो। कैन बी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग। क्या हम लोग जो फ्लोर है आटे को और हम लोग ने जो चॉक का पाउडर बनाया था उसको हम लोग सीविंग की मदद से अलग कर सकते हैं? सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइज। सीविंग जब भी इस्तेमाल में आती है जब जो जो कंपोनेंट होते हैं उनका जो साइज होता है वो अलग होता है, जैसे बड़े और छोटे कंपोनेंट्स उसमें सीविंग का काम आ सकता है।
Now sedimentation, decantation, filtration. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. कभी कभार ये impossible हो जाता, मतलब possible होता ही नहीं कि हम लोग कुछ components को winnowing और hand picking की मदद से अलग कर सके. For example, there may be lighter components like dust or soil particles in rice or pulses. जैसे कि example में दिया गया है कुछ light, कुछ ऐसे component जिसका जो weight है वो बहुत लाइट है, जैसे कि डस्ट या फिर सॉइल में जो कण कण रहता है वो राइस या फिर पल्सेस मतलब दाल. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग. ये सभी जो कण कण वगैरह है, ये सभी जो कण कण है वो कैसे अलग हो जाते हैं जब राइस और पल्सेस को खाना बनाने से पहले कैसे ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हैं. राइस और पल्सेस आर यूजली वॉश बिफोर कुकिंग. राइस और पल्सेस को दाल, राइस और दाल को हम लोग खाना बनाने से पहले हम लोग उन्हें धोते हैं. When you add water to this, the impurities like dust particles get separated. अब इधर क्या दिया गया, इधर बताया गया कि जब भी हम लोग उनमें पानी डालते हैं तो फिर जो impurities हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं. कैसे? These impurities go into the water. जो impurities है वो water में water आ जाते हैं उनपे. Now what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? अब जो rice है या dust है उनमें से कौन सा चीज नीचे में बैठ जाएगा? Why? Have you seen the vessel is tilted to pour out the dirty water? आपने कभी देखा है कि जो vessel है, मतलब कोई भी glass वगैरह आप लोग ले सकते हैं, उसमें जो dirty water रहता है वो कैसे निकलता है? When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. जब भी जो heavy वाला जो component होता है उसके हम लोग जब ऊपर water डालते हैं तो फिर वो अलग हो जाता है. उस process को हम लोग क्या कहते हैं? उस process को हम लोग sedimentation कहते हैं. और when the water along with the dust is removed, the process is called decantation. और जब जो water होता है, जो पानी रहता है, वो dust के साथ साथ अलग हो जाता है, उसे हम decantation कहते हैं. Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation, decantation. हम लोग और भी ऐसे अलग अलग mixture देखते हैं, example देखते हैं जो हम लोग sedimentation और decantation की मदद से अलग कर सकते हैं. The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from the mixture can be separated by this process. अब इधर बताया कि इधर दिया गया है कि जो हम लोग उन्हीं दो अलग अलग लिक्विड, जो दो लिक्विड होता है, मतलब लिक्विड एक कंपोनेंट जो होता है, क्वांटिटी जो मैटर का जो स्टेट है वो सेम है, तो फिर वो लिक्विड एक साथ एक दूसरे के साथ कभी मिक्स नहीं होते. जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है ऑयल और वाटर. घी और जो वाटर है वो हमें हम लोग उनके ऊपर रख के वाटर के हम लोग ऊपर ऑयल डाले तो फिर जो ऑयल है वो एक लेयर बना देता है, मतलब वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता लेकिन लेयर बना देता है. इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम्स दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स. अलग अभी जो ऑयल है वो ऐसे ही रहेगा तो फिर वो एक दो अलग अलग लेयर बना देगा, एक तो वाटर की लेयर रहेंगी और एक ऑयल की लेयर रहेंगी. द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स अ टॉप लेयर ऑन देन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन. अब जो टॉप सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग डिकंटेशन की मदद से अलग कर सकते हैं. लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. हम लोग अभी फिर से एक मिक्सचर लेते हैं, कौन सी चीज का मिक्सचर लेते हैं? सॉलिड और लिक्विड कोई भी कंपोनेंट का. आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स. हाँ, जब आप चाय बनाते हो तो फिर आप टी लीव्स को रिमूव करने के बाद आप क्या करते हो? यूजुअली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स. बताया गया है कि आप कैसे यूज करते हो. अभी तो बताया गया है हम लोग स्ट्रेनर मतलब छलनी की मदद से करते हैं, हम लोग अलग करते हैं चाय की पत्तियों को, और या फिर डिकंटेशन मतलब डिकंटेशन का यूज करते हैं. डिकंटेशन इट हैज अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू इन योर फ्यू लीव्स इन योर टी. आप डिकंटेशन का इस्तेमाल करोगे जब भी आपको कुछ जो चाय पत्ती होगी वो जब भी आपको टी में मिलेंगी. नाउ प्योर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर.
अब आप क्या करो, अब आप जो टी है टी को स्ट्रेनर की मदद, छलनी की मदद से टी डालो उस पे। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, जो सभी टी लीव्स होती है वो स्ट्रेनर में ही छलनी में रह जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, ये प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब कि जब हम लोग टी लीव्स को चाय बनाने वक्त हम लोग जब अलग करते हैं उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बेटर, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, डिकेंटेशन अच्छा लगा है फिल्ट्रेशन अच्छा लगा। Let us now consider the example of water that we use. Do all of us all times get safe water to drink? अभी एक वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। हम सभी को सेम हमेशा हर समय सेफ वाटर मिलता पीने के लिए। समटाइम्स वी वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स में भी मड़ी, कभी कभार जो वाटर जो टैप्स के थ्रू आता है वो कब का मड़ी भी रहता है, मतलब मड रहता है उसके अंदर। The water collected from ponds or rivers may also be muddy. जो पानी हमें ponds और rivers से मिलता है वो भी muddy हो सकता है. Especially after rain. ज़्यादातर ये rain के बाद ही होने मिलता है. Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. अभी तक क्या कहा गया है, अभी हम लोग कुछ मेथड का यूज करेंगे क्या अलग करने के लिए, कुछ कण कण को अलग करने के लिए, जैसे कि सॉइल और वाटर को अलग करने के लिए। हम लोग देखेंगे अभी एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। अभी आप कुछ मडी वाटर लो, कैसे लोगे, आप एक पॉन्ड लो और एक रिवर लो। If it is not available, mix some soil to water in a glass. अब ये ऐसा हो नहीं रहा तो आप क्या करो, जो soil है soil को एक glass लो, उसमें soil और water को एक साथ mix कर दो। Let it stand for an half an hour. अब उसको half an hour के लिए ऐसे ही रख दो। Observe the water carefully and note your observation. आप water को ध्यान से देखो और जो जो भी आप देख रहे हो उसे आप note कर लो, लिख लो। Does some soil settle at the bottom of the water? क्या जो कुछ जो soil है वो पानी के एकदम last मतलब बैठ गया नीचे में? Why? What will call you this process? आप इस process को क्या बुलाओगे और ऐसा क्यों हुआ? Now slightly tilt the glass without disturbing the water. अब जो glass है glass को थोड़ा टेढ़ा करो, ऐसा टेढ़ा करो कि जो water है water बिना हिले। Let the water from the top flow into other the glass. अब जो water को दूसरे glass में डालो। What will you call this process? आप एक process को क्या कहोगे? Is the water in the second glass still muddy or brown in color? अब जो water है दूसरे glass में जो अभी water है वो अभी भी muddy रहेगा या brown color में रहेगा? Now filter it. अब उसको filter कर लो। Did the tea strainer work? अब जो इसमें जो tea strainer जो छलनी है उसका काम आया? Let us try filtering the water through a piece of cloth. अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग water को एक cloth के piece से filter करेंगे, मतलब क्लोथ एक ग्लास लेंगे, ग्लास के अंदर एकदम नीचे में एक क्लोथ का एक पीस रहेंगे, उसके हम लोग डर्टी वाटर डालेंगे और नीचे से हमें क्लीन वाटर मिलेगा। In a piece of cloth, small holes or poles remain in between the woven threads. अब जो क्लोथ होना चाहिए क्लोथ के अंदर छोटे छोटे होल्स या फिर जो वुवन जो मतलब सिलाई की थ्रेड वो भी होने चाहिए। दिस पोर्स इन अ क्लोथ कैन बी यूज एज अ फिल्टर। ये जो पोर्स होते हैं छेद होते हैं वो क्लोथ के वो हमारे पानी को फिल्टर कर सकते हैं। इफ द वॉटर इज स्टिल मडी इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज स्मॉलर पोर्स। हम लोग वाटर अगर मानो कि जो वाटर है वो अभी भी मडी है मतलब उसके अंदर मड है, तो हम लोग कण कण को कैसे सेपरेट कर सकते हैं फिल्टर से, जब उनके अंदर पोर्स होंगे छोटे छोटे छेद होंगे। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। अब जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर एक ऐसा ऐसा फिल्टर है जिससे हम लोग आसानी से कोई भी छोटे छोटे कण कण को अलग कर सकते हैं। फिगर 5.9 शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। अब जो फिगर 5.9 दी गई है उसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे हम लोग फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
A filter paper folded in a form of cone is fixed into the funnel. अब क्या करो, आप एक फिल्टर पेपर लो और उसको फोल्ड करो कोन के फॉर्म में, कोन की तरह उसे फोल्ड करो. द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर. फिर जो मिक्सचर है उसे आप फिल्टर पेपर पे डालो. सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर. अब जो सॉलिड जो कणकण है वो आगे आगे नहीं जाएंगे, वो फिल्टर पे भी रुक जाएंगे, फिल्टर से आगे नहीं जाएंगे. ऐसे ऐसे फिगर 5.9 में दिया गया है. After that, next, fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seed and soluble particles of pulp. अभी तक आ गया है जो फ्रूट और जो वेजिटेबल्स के जो जूस होते हैं, फलों और जो वेजिटेबल्स के जो जूस होता है, उन्हें हम लोग पीने से पहले हम लोग उन्हें फिल्टर करते हैं. कैसे फिल्टर करते हैं? उनके जो पल्प होते हैं, उनके जो मतलब बीज टाइप या उनके जो बीच टाइप या जो बॉडी में रहता है उनको अलग करता है. द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज पनीर इन आर होम्स. ये फिल्ट्रेशन की मेथड हम लोग अपने घर में भी जब हम लोग पनीर बनाते हैं जब भी की जाती है. यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉइल्स. पनीर बनाने के लिए जो पानी की लेमन की जो कुछ ड्रॉप होती है वो मिल्क में डाली जाती है. जब वो मिल्क जो होता है, जब वो गर्म होता है, जब डाली जाती है लेमन की थोड़ी सी ड्रॉप. दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड. ये हमें कैसे मिक्सचर देता है, मतलब इसके अंदर कणकण भी नहीं होते और जो पनीर होता है वो भी पक जाता है. द पनीर इज देन सेपरेटेड फ्रॉम बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर. हम लोग अभी पनीर को कैसे अलग कर सकते हैं, वाटर वगैरह के साथ एक क्लॉथ लो या फिर आप छलनी की मदद से भी अलग कर सकते हो. Now evaporation activity 6. Add 2 spoons of salt to water in the other beaker and stir it well. अब 2 स्पून लो साल्ट के, नमक के 2 स्पून लो और उसको आप दो अलग अलग बीकर में ऐसे घुमाते जाओ, स्टीर करते रहो. सी डू यू सी एनी चेंज इन द कलर वाटर. आपने जो वाटर का जो कलर है आपने उसमें कोई चेंज अलग बदलाव देखा. कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टीरिंग. क्या आप वो बीकर के अंदर कोई साल्ट देख सकते हो. हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर. अब जो बीकर को है आप उसको गर्म करो, जो सी की वाटर से आप उसे गर्म करो. लेट द वाटर बॉयल अवे. अब जो वाटर है उसको बॉयल होने दो, गर्म होने दो. What is left in the beaker? Beaker के अंदर क्या बचा है? In this activity, we use the process of evaporation to separate water and a salt. ये activity हम लोगों ने, ये activity में हम लोगों ने देखा कि evaporation की process हम लोग water और salt को अलग कर सकते हैं. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. वो process जिससे हम लोग पानी को या vapor को, भाप, vapor मतलब भाप, पानी को हम लोग भाप में change कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उस process को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं. The process of evaporation take place continuously when, wherever water is present. जो evaporation की जो process हम वो कहीं भी हो सकती है जहाँ पे पानी present हो, जहाँ पे पानी हो. Where do you think salt come from? आप क्या सोचते हो जो salt है, नमक है, वो कहाँ से आता है? Sea water contain many salt mixed in it. जो sea water होता है, sea water के अंदर बहुत सारे जो अलग अलग तरह के salt mix होते हैं sea के अंदर, sea के पानी के अंदर. One of these salt is the common salt. उनमें से एक साल्ट कॉमन साल्ट है. When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. अभी तक क्या कहा गया, जब सी का जो पानी रहता है, जब उसके ऊपर सन की जो किरणें पड़ते, तो फिर जो वाटर रहता है वो गर्म होके सनलाइट की जो गर्मी की वजह से होके वो भाप में बन के इवेपोरेशन प्रोसेस ऐसी दिखाई जाती है, भाप बन जाता है. इन अ फ्यू डेज The water evaporates completely, leaving behind the solid states. सॉलिड साल्ट. अभी तक क्या बताया गया है, कुछ ही दिन में जो वाटर होता है वो भाप बन के, और जब वो भाप बनता है और वापस हम लोग जब गर्म करते हैं तो फिर जो सॉलिड में जो क्या रहता है, वाटर नहीं रहता, सिर्फ साल्ट रहता है, नमक रहता है. कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेंड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ साल्ट बाय फर्दर प्योरिफिकेशन. हम लोग साल्ट को ऐसे पा सकते हैं कि जैसे कि हम लोग साल्ट और वाटर का मिक्सचर करके ये प्यूरिफिकेशन करके हम लोग पा सकते हैं साल्ट को.
After that, next use of more than one method of separation. हम लोग अभी एक से ज़्यादा method का separation देखेंगे. We have studied some methods for separation of substances from the mixture. हम लोगों ने अलग अलग कुछ methods देखे जिससे हम लोग चीज़ों को अलग कर सकते हैं. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. अभी देखिए दिया के इससे हम लोग एक जो method है उससे हम लोग अलग कर सकते हैं. कैसे अलग कर सकते हैं? उसका मिक्सचर बना के हम लोग अलग अलग मेथड से अलग कर सकते हैं. जैसे कि इन सच सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिस मेथड. उस समय हम लोग एक से ज्यादा मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक्टिविटी 7, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट. अभी आप क्या करो, सैंड और साल्ट, रेती और नमक लो, उनका एक मिक्सचर लो. हाउ विल यू सेपरेट दिस? आप उन दोनों को कैसे अलग करोगे? वी ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग वुड not be able a practical method for separating this. हम लोगों ने ये देखा है कि जो हैंड पिकिंग है हाथ से जो निकालता है वो एक मेथड नहीं है जिससे हम लोग इसे अलग कर सकते हैं. क्योंकि जो दिया गया है इधर साल्ट और सैंड वो दोनों बहुत ही छोटी छोटी चीज़ है, इसलिए हम उन्हें अलग नहीं कर सकते. Keep this mixture in a beaker and add some water. आप उस वो जो मिक्सचर है साल्ट और सैंड का उसे आप बीकर में डालो और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालो. Leave the beaker aside for some time. आप जो बीकर को आप थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दो. Do you see the sand settling down at the bottom? आप देखोगे जो सैंड है वो पानी के नीचे एकदम नीचे में चली गई है, नीचे में बैठ गई है. द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन. जो सैंड है सैंड को हम लोग डिकंटेशन की मदद से या फिल्ट्रेशन की मदद से अलग कर सकते हैं. What does the decanted liquid contain? अब जो decantation वाला जो liquid है वो liquid जिसमें अंदर जो decantation है वो liquid के अंदर क्या होता है? Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? आप सोच रहे हो कि अभी भी उस water के अंदर salt होगा जो हम लोग starting में process की थी? Now we need to separate salt from water from the decanted liquid. अभी हम लोग जो salt है नमक और water को अलग करेंगे कैसे? Liquid के form में, water के form में. Transfer this liquid to a kettle and choose its close its lid. अब क्या करो, आप ये जो liquid है उसे आप kettle से आप मतलब कि जो पानी है उसको आप kettle में डाल दो और उसकी जो lid होती है उसका जो ढक्कन रहता है उसको बंद कर दो. Heat the kettle for some time. kettle को थोड़ी देर गर्म होने दो. Do you notice steam coming out of spout of the kettle? आपने ये देखा कि जो kettle की जो spout है उसमें से थोड़ा सा भाप आ रही है, मतलब water vapor उससे निकल रही है. kettle की spout है और इससे निकल रही है भाप. उसके बाद क्या दिया गया? उसका दिया गया है टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट. होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पॉट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉइल ऑफ. अभी तक क्या दिया गया? इधर दिया गया है जो भाप है वो भाप वाटर बन के उठ रही है. और आप क्या करो, आप एक मेटल प्लेट लो कोई भी, ऊपर उसके ऊपर मेटल प्लेट लो और उसके ऊपर आप थोड़ी सी आइस डालो. फिर उसके बाद क्या दिया गया? उसके बाद दिया गया है कि When the steam come out in contact with the metal plate, the cool with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observe falling from the plate were due to condensation of steam. अभी तक क्या बताया गया? जो जैसे कि जो भाप, देखो वाटर डाला गया है, वाटर डाला गया कैटल में, कैटल अभी गर्म होगा तो फिर कैटल से कैटल का जो स्पाउट है उससे भाप उड़ेंगी. भाप के ऊपर जैसे भाप निकल रही है उसके ऊपर आप एक मेटल प्लेट लो, मेटल के ऊपर थोड़ा सा आइस डालो. अभी भाप ऊपर जाएंगी, अब वो उसके आइस के कांटेक्ट की मदद से, कोल्ड के कॉन्टैक्ट की मदद से जो ये जो है वाटर वेपर वो ठंडी कोल्ड के कॉन्टैक्ट से वजह कोल्ड के कॉन्टैक्ट के वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन के फिर से वो बीकर में आ जाएंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रही है. अब आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कंडेंसेशन. वो प्रोसेस जिससे हम लोग वाटर का जो वेपर है भाप जो है उसे हम लोग वापस पानी में कन्वर्ट कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं.
Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled off? आपने कभी देखा है कि जो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर की जो ड्रॉप होती है वो एक प्लेट में गिरती है और वो प्लेट जो होती है वो पूरी तरह से वेसल से ढकी हुई होती है और वेसल के अंदर क्या होता है, मिल्क होता है जो अभी भी बॉयल होता रहता है, गर्म होता रहता है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवेपोरेटेड, अब जो वाटर है, जो पानी है वो भाप बन चुका है। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड द इन द केटल, अब जो केटल है उसके अंदर क्या बचा है। वी हैव थर्स सेपरेटेड साल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन फिल्ट्रेशन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, हम लोगों ने साल्ट नमक रेती मतलब सैंड और वाटर को पानी को नमक रेती और पानी को हम लोगों ने अलग किया। कैसे अलग किया, डिकंटेशन फिल्ट्रेशन इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की मदद से, इन इन सभी मेथड की मदद से हम लोगों ने अलग किया है। पहली फेज द प्रॉब्लम बाय रिकवरिंग साल्ट मिक्स विद सैंड, पहली क्या कर रही थी, पहली ये साल्ट को रिकवर करने की वजह से पहली जो है वो साल्ट और सैंड का मिक्स कर रही थी और पहली साल्ट को रिकवर नहीं कर पा रही थी। शी हैज मिक्स्ड अ पैकेट ऑफ साल्ट इन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंड, उसने क्या किया, उसने एक पूरा पैकेट डाल दिया साल्ट का, सिर्फ एक थोड़ी सी अमाउंट, थोड़ी सी मात्रा जो सैंड दे रही थी बहुत थोड़ी सी अमाउंट में थी उसमें डाल दिया। शी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7, फिर उसके बाद उसने जो एक्टिविटी 7 में जो दी गई है वो एक्टिविटी उसने वो सोचा कि वो ये एक्टिविटी करे। टू रिकवर द साल्ट शी फाउंड हाउएवर दैट शी कुड रिकवर ओनली पार्ट ऑफ द साल्ट दैट शी हैड टेकन, उसने बहुत सारा साल्ट डाल दिया अब उसको उससे जो साल्ट है वो रिकवर नहीं हो रहा, उससे वापस नहीं आ रहा साल्ट। What could have wrong? What could have gone wrong? पहले ने क्या wrong किया? Can water dissolve any amount of substance? जो water है वो कोई भी amount मतलब water कितने भी amount में रहे वो कोई भी amount में घुल सकता है, dissolve मतलब घुल सकता है। In chapter 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution. Fourth chapter में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो substances वगैरह है, बहुत सारी जो चीजें हैं वो पानी में dissolve हो जाती है और एक solution बन जाती है। We say that the substances are soluble in water. हम लोग ये कह सकते हैं जो substances है, सब जो चीजें हैं वो पानी में घुल जाते हैं। What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of वाटर, अगर क्या होगा कि हम लोग ज्यादा वाटर डालेंगे तो क्या होगा। एक्टिविटी 8, यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन और स्पून साल्ट एंड वाटर, प्योर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर, एड 1 टीस्पून फुल ऑफ साल्ट एंड स्टीर इट वेल अंटिल द साल्ट कम्प्लीटली साल्ट डिसॉल्व कम्प्लीटली। अभी तक क्या कहा गया, इधर कहा गया आप बीकर लो या एक छोटा सा पैन लो, उसके अंदर आप एक स्पून रखो, साल्ट लो और एक वाटर लो। अब जो आधा जो कप है वो आप वाटर से भर दो, बीकर को आधा बीकर आप वाटर से भर दो। अब उसमें क्या करो, आप एक पूरी स्पी आप एक साल्ट की नमक की स्पून आप उसमें डालो और उसको स्टीर करो मतलब घुमाओ। आप उसको जब तक घुमाते रहो जब तक जो साल्ट है वो पिघल मतलब घुल नहीं जाता। अगेन एड अ टी स्पून फुल ऑफ साल्ट एंड teaspoon will go on adding salt 1 teaspoon at a time and stir. After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remains undissolved and settles at the bottom of the beaker? अभी तक क्या कहा कि आप फिर से ऐसे एक स्पून लो जिसके अंदर साल्ट डालते रहो और उसको अच्छे से घुमाओ, ऐसे ही करते रहो करते रहो करते रहो। फिर कुछ कुछ समय बाद आपने देखा होगा कि जब आपने स्पून डाली साल्ट की नमक की तो जो साल्ट है वो नीचे बैठ गया है और वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, पिघल नहीं रहा है मतलब घुल नहीं रहा है। इफ यस दिस मींस दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिसॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट वी हैव टेकन द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड, अब इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जो जितना हम लोगों ने पानी लिया था उतना पानी घुल चुका है। अब ये जो सॉल्यूशन है इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं। Here is a hint to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt fixed mid-set. Perhaps the quantity of salt was so much more that the required to
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले की क्या गलती थी, उसने बहुत ज्यादा सैंड डाल दिया था, लेकिन जो सैंड बहुत ज्यादा साल्ट डाल दिया था, नमक डाल दिया था नमक, लेकिन जो रेती थी वो बहुत कम थी, इसलिए वो सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन था वो बहुत जल्दी सैचुरेट हो गया। द अनडिजॉल्व साल्ट Undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not have been recovered. She could solve her problem by using a large quantity of water. उसका जो salt है वो घुला नहीं है और वो salt वो अभी भी sand के साथ है, लेकिन अभी तक वो salt जो है वो recover नहीं हुआ है नमक। She could solve her problem by using a large quantity of water. वो उसकी problem को मतलब पानी ज़्यादा होता तो उसकी problem हल हो जाती। Suppose she didn't have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try and help out पहली। अब क्या करो, अभी इधर बोल रहा है कि अगर ज़्यादा पानी रहेगा जब भी सभी ज़्यादा तो चीज़ें डिजोल्व नहीं होंगी उस मिक्सचर में। साल्ट जितना डालते जाएंगे, अगर साल्ट का जो डिजोल्वेशन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जल्दी हो गया तो फिर और साल्ट और नमक नहीं आएगा। अगर अभी तक आ गया, आपको दूसरा तरीका सोचो जिससे हम लोग और भी ज़्यादा साल्ट नमक को बिखोल पाए। अभी इधर कहा गया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले की मदद करते हैं उसे समस्या से बाहर निकलने के लिए। एक्टिविटी 9, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स साल्ट इन इट एंड अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर साल्ट, दिस विल गिव यू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन हीटेड। अब आप क्या करो, इधर कहा गया है कि आप थोड़ा सा वाटर लो, पानी लो बीकर के अंदर और उसे आप साल्ट के साथ मिक्स करो। अगर वो डिजॉल्व नहीं होता तो फिर वो जो सॉल्ट है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे आ चुका है। अब उसमें क्या करो, आप थोड़ा सा और क्वांटिटी सॉल्ट डालो। डाल दिए सॉल्ट और उसके बाद उसको हीट करो, गरम करो। बट डू यू फाइंड व्हाट हैपेंस टू द अनडिसॉल्व साल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। अब आपने क्या देखा, जो जो अनडिसॉल्व साल्ट है, जो साल्ट है जो पिघल नहीं रहा है, वो उसके साथ क्या हुआ, डज इट डिसॉल्व नाउ, क्या वो अभी पिघल गया। If yes, can some more salt can be dissolved in this solution by heating it. ऐसे ही हम लोग गर्म करके और भी ज़्यादा salt वगैरह हम लोग डाल सकते हैं। Let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? This activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. ये जो activity है बहुत cool है, और जो salt है वो beaker के एकदम नीचे में बैठ जाता है जब उसकी saturated solution finish हो जाती है। अब जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी से हम लोग क्या सीखते हैं, एक्टिविटी से सीखते हैं जब हम लोग जो साल्ट है, साल्ट हम लोग जब भी ज्यादा डाल सकते हैं जब हम लोग वाटर को बार बार हीट करते जाए, गर्म करते जाए। Now next, does water dissolve equal amounts of different soluble substances? Let us find out. अगर सोचो जैसे कि आपने कि water जो है equal water इतना ही डाला है, तो फिर water मतलब इतने में इतने पूरे glass में से सिर्फ आपने इतना ही water डाला है, तो फिर जो soluble substances है वो भी सिर्फ आप इतने ही डालोगे। चलो देखते हैं इस चीज। Activity 10. Take two glasses and pour half a cup of water in each of them. Add a teaspoon of salt to one glass and stir the salt dissolve. Go on adding salt and one teaspoon at a time till the solution saturates. Read the number of salt that have been dissolved in water in table 5.2. अब इधर क्या कहा गया, इधर कहा गया आप दो ग्लास लो, एक ग्लास में आधा आधा ग्लास आप पानी से भर दो और आप उसके अंदर साल ढालते जाओ और उसको घुमाते जाओ, ऐसे ही करते जाओ। फिर आप देखते जाओ कितनी बार स्पून उस पानी में आ सकी, वो देखो कि कितने स्पून उस पानी में डिजॉल्व हो चुकी हो सकती है। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर, रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्वेंट वाटर। आप अभी उसे शुगर के साथ भी ऐसे ही करो और आप उसको अलग सब्सटेंसेस अलग चीज़ों के साथ भी आप उसे बिखोल सकते हो।
What do you notice from table 5.2? आपने जो table 5.2 से आप क्या जाने? Do you find that water dissolves different substances in different amount? आपने क्या देखा कि जो पानी है वो अलग-अलग चीजों से अलग-अलग चीजों की अलग-अलग मात्रा से पिघलता है? Now after that next, we have discussed a few method of separating substances. हम लोगों ने कुछ methods भी जाने हैं जिससे हम लोग चीजों को substance को चीजों को अलग करते हैं. Some of the method of separation present in this chapter are used to in a science laboratory. जो कुछ कुछ method इधर दिए गए हैं हम लोगों ने कुछ कुछ method देखे हैं जैसे कि चीजों को हम लोग अलग करें. अब कुछ कुछ method उसमें से दिए गए वो आपकी science laboratory मतलब science के lab में भी मिलेंगे. We also have learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. हम लोगों ने ये भी देखा जो solution है, we have also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. हम लोगों ने ये भी देखा जो solution है, solution कैसे बनाते हैं जब हम लोग को water के अंदर कोई भी चीज़ हम लोग dissolve करते हैं. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. अब जो solution है solution को हम लोग जब भी saturated कहते हैं जब उसके अंदर और भी कोई भी ज़्यादा चीज़ और भी कोई चीज़ dissolve ना हो सकते. So till here is our chapter. So thank you so much for watching this video. Please like, share, subscribe our channel. Thanks for watching. Bye bye.